फलन देखिए, 1 kg अमरूद है और फलन देखिए, ये देखिए सर्दियों में भी इसमें बम्पर अमरूद लगते हैं और गर्मियों के सीजन में भी बम्पर अमरूद लगता है। अभी कच्चा है और ये करीब 2 महीना अभी और लगेगा। ये है मिस इंडिया एप्पल बेर और देखिए कांटा। यहाँ देखिए नींबू, कितने बड़े बड़े साइज के नींबू लगे हुए हैं। दोस्तों बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और अगर आपको फलदार पौधा अपने गार्डन में लगाना है तो लगा सकते हैं, ये बिल्कुल उचित समय है। आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसे बेहतरीन फलदार पौधे आपको बताने वाला हूँ, आप उनको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास महत्वपूर्ण हो सकता है जो लोग गार्डनिंग की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि बिगिनर्स हैं, जो लोग रिटायरमेंट लेकर अभी घर पर बैठे हुए हैं, वो फलदार पौधे अपने गार्डन में लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 10 बेहतरीन फलदार पौधे आपको बताने वाला हूं और इनको आप लगाकर अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं गार्डनिंग संबंधी जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूं स्टार्ट। दोस्तों पहला जो मैं आपको प्लांट दिखाने वाला हूँ वो है अमरूद का प्लांट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जितने प्लांट आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सब आप अपने गार्डन में लगाएं, लेकिन इनमें से आप कुछ पौधे यानी 4 या 5 प्लांट आप अपने गार्डन में सम्मिलित कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। पहला पौधा आप देख लीजिए, ये अमरूद का प्लांट दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास करीब 1.5 साल से है और फलन देखिए, 1 kg अमरूद है और फलन देखिए इसकी कितनी फलन आई हुई है। इससे पहले भी इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे, साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा आया हुआ है। यहाँ भी अमरूद लगे हुए हैं और इधर भी देख सकते हैं इसमें काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं। सर्दियों के मौसम में इसमें अमरूद लगेंगे और गर्मियों के मौसम में, यानी कि अमरूद साल में 2 बार लगते हैं। तो वैरायटी देख लीजिए, ये 1 kg की है, ये उतना स्वीट नहीं होता लेकिन काफ़ी अच्छा होता है, कमर्शियल वैरायटी है और मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ। दूसरी वैरायटी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको जो प्लांट दिखाने जा रहा हूँ ये ताइवान पिंक का है। दोस्तों देख सकते हैं ये अमरूद की फलन देखिए, पिछले सीजन में भी काफ़ी अमरूद लगे थे यानी सर्दियों के सीजन में, और यहाँ देखिए अमरूद लगे हुए हैं। कुछ अमरूद मैं इसमें से हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ। ये देखिए अमरूद, यहाँ पर अमरूद लगे हुए हैं, ये अमरूद लगा हुआ, काफ़ी अमरूद देखिए यहाँ लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और 16 इंच का ये पॉट है, वैरायटी है ताइवान पिंक। और दोस्तों एक वैरायटी और है रेड डायमंड गुआवा, वो भी आप लगा सकते हैं, यानी मैंने आप दोस्तों आप देख सकते हैं ये रेड डायमंड गुआवा है। पत्तियां देख लीजिए चौड़ी चौड़ी होती हैं, इसमें बीज नहीं होता, यानी कि सीडलेस अमरूद इसे कहा जाता है, ये जापानी अमरूद भी कहते हैं। आप ये भी प्लांट लगा सकते हैं रेड डायमंड गुआवा का। दोस्तों अमरूद की आपको मैंने 3 वैरायटी दिखा दी और ये सामने देख लीजिए ताइवान पिंक कितनी बढ़िया फलन आ रही है। आपको फलन दिखाता हूँ, ये देखिए पास से थोड़ा दिखाइए कितनी फलन आती है। ये देखिए सर्दियों में भी इसमें बम्पर अमरूद लगते हैं और गर्मियों के सीजन में भी बम्पर अमरूद लगते हैं। थोड़ा सा बर्निंग की प्रॉब्लम हुई है लेकिन ओवरऑल प्लांट मेरा देखिए हरा भरा है और स्वस्थ है। तो आप एक पौधा इसमें से चूज कर सकते हैं इन 3 वैरायटी में, ऑप्शन भी साथ साथ दे रहा हूं। और अब मैं आपको दूसरा प्लांट दिखाता हूं। दोस्तों आप मेरे सामने जो प्लांट देख रहे हैं ये अनार का प्लांट है और वैरायटी है गणेश, और इसमें पतझड़ हो गई थी, अब धीरे धीरे नई नई पत्तियाँ देखिए आ रही हैं, पौधा पूरा हरा भरा हो जाएगा, फिर से फूल और फल आएंगे। तो 2 वैरायटी मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा, एक सुपर भगवा और गणेश, आप इनमें से कोई एक प्लांट लगा सकते हैं। बहुत बहुत ही आसानी से अनार का पौधा ग्रो किया जा सकता है और ये प्लांट ग्राफ्टेड नहीं होते, गुटी कलम वाले होते हैं। तो आप अनार की वैरायटी सुपर भगवा या गणेश अनार आप पसंद करके लगा सकते हैं, एक वैरायटी इसमें से पसंद करके लगाइए, बहुत बढ़िया है। दोस्तों अब मैं आपको तीसरा प्लांट बताने जा रहा हूँ। तीसरा प्लांट है चीकू का यानी सपोटा। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये प्लांट लगा हुआ है, करीब ये 1.5 से 2 साल पुराना प्लांट है और ये वैरायटी है काला पत्ती, और यहाँ देखिए फ्लावर आ रहा है। इसमें बहुत सारे चीकू पहले लगे हुए थे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं। ये देखिए फ्लावर आ रहा है और कुछ दिनों में इसमें फ्लावरिंग भी होगी बम्पर और इसमें फल भी लगेंगे। और वैरायटी काला पत्ती है, इसी के बगल में ये देखिए क्रिकेट बॉल है और इसी के बगल में थाई चीकू है। तो थाई चीकू और काला पत्ती चीकू मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, बढ़िया वैरायटी है। तो चीकू का आपने ये प्लांट देख ही लिया, काफ़ी बेहतरीन है, तो आप चीकू का प्लांट आसानी से लगा सकते हैं टेरिस गार्डन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये 16 इंच का जो है हाफ कंटेनर है और इसमें मुश्किल से मिट्टी होगी 20 से 25 किलो, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। देख सकते हैं ये नींबू का प्लांट है और इस नींबू में कांटे नहीं है, फिलहाल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, कोई भी कांटा नहीं है और फलन देखिए इसकी, ये देख सकते हैं यहाँ देखिए नींबू, कितने बड़े बड़े साइज के नींबू लगे हुए हैं और ये प्लास्टिक के कंटेनर में है, ये देख लीजिए। और मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कागजी बारहमासी नींबू या फिर ये जो वैरायटी है
इस टाइप के नींबू जो सीडलेस नींबू होते हैं यानी बिना बीज वाले, उन्हें भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस नींबू में कांटे नहीं होते, बहुत लोगों की दिक्कत ये रहती है, कहते हैं कि कांटे वाले प्लांट हमें नहीं चाहिए। ये वैरायटी है, इस वैरायटी में कांटे नहीं होते और फलन देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त आई हुई है, पास से दिखाइए क्योंकि पत्तियाँ काफ़ी ग्रीन हैं और दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख लीजिए नींबू ही नींबू लगे हैं, यहाँ देख लीजिए तो काफ़ी नींबू लगे हुए हैं। अब मैं आपको नींबू का एक दूसरा प्लांट दिखाऊंगा, ये देखिए सामने लगा हुआ है, दिखाइए ज़रा कागजी बारहमासी नींबू। फ्लावर देखिए दोस्तों टीन के कंटेनर में है, नीचे से दिखाइए ज़रा कंटेनर, ये टीन का कंटेनर है और उसमें पिछले साल बम्पर नींबू लगे हुए थे और लगते रहते हैं। अभी देखिए एक नींबू यहाँ भी लगा हुआ है, ये देखिए छोटे फल बड़े फल इस तरह की कुछ इसकी साइकिल होती है। और यहाँ पर देखिए कन्वर्ट भी हो रहा है फ्लावर से फूल में बगल में। और ये देखिए नींबू का एक और प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग चल रही है इस वक्त, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पास से दिखाइए। कागजी बारहमासी नींबू लगा सकते हैं, साथ में एक और बारहमासी की वैरायटी होता है कुंभकार नींबू। फलन देखिए इसकी दोस्तों नींबू की, और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और हर व्यक्ति को नींबू की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एक या दो प्लांट लगा लेंगे तो नींबू ही नींबू आपके घर में हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये नींबू की वैरायटी, आप अपने टेरेस गार्डन में इसमें से पसंद करके एक प्लांट जरूर लगाएं। दोस्तों अब मैं आपको सिट्रस का प्लांट दिखाने जा रहा हूँ, मौसम्मी यानी कि इंडियन मौसम्मी को दिखाऊंगा। साल में इसमें एक ही बार फल लगता है और इसमें एक दूसरी वैरायटी आती है, वो माल्टा की वैरायटी है यानी वियतनाम माल्टा, उसमें दो बार लगती है और एक आता है बारी वन स्वीट माल्टा। तो मैं ये ऑप्शन भी बता रहा हूँ, लेकिन जो बेस्ट है वो वियतनाम माल्टा है और इंडियन मौसम्मी है। और टीन के कंटेनर में दोस्तों मैंने लगाया हुआ है, टीन का कंटेनर देख लीजिए। और फलन देखिए, फल देखिए 400-400 ग्राम के फल हो चुके हैं अभी ये टीन के कंटेनर में। फल देखिए, ये देखिए मैं आपको हाथ में भी लेके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए फल कितना बढ़िया है, अभी कच्चा है और ये करीब 2 महीना अभी और लगेगा इसको पकने में। तो इस टाइप का ये प्लांट आप लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना ये पौधा मरने वाला है और बहुत मजबूत पौधा होता है इंडियन मौसम्मी का। 45 डिग्री टेम्परेचर झेल के भी आप देख सकते हैं कितना हरा भरा और स्वस्थ है, मेरे यहाँ कोई भी ग्रीन नेट फिलहाल नहीं लगी हुई है। तो अब मैं आपको छठा प्लांट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है आम का प्लांट। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा, दो तरह की वैरायटी होती हैं, एक होता है बारहमासी और एक होता है साल में एक बार लगने वाली प्रजाति। तो इनमें से आपको एक ही पसंद करना है और मैं जो बेस्ट वैरायटी है बारहमासी की वो भी बताऊंगा और जो साल में एक बार लगती है वो भी बेस्ट वैरायटी गमले के लिए वो भी बताऊंगा। क्योंकि मैं बहुत सारे ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लगाने को तो बहुत सारे लगा सकते हैं लेकिन जो नंबर वन कहा जा सकता है मैं वो वैरायटी बताऊंगा। दोस्तों सामने जो प्लांट आप देख रहे हैं ये थाई ऑल टाइम कॉटिमॉन मैंगो का है, अभी इसमें फ्लावर आया हुआ था, मैंने इसकी फ्लावर को कट कर दिया, ये देख लीजिए ये थाई ऑल टाइम कॉटिमॉन मैंगो का प्लांट है। साल में इसमें 3 बार फल लगता है जब ये पौधा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। अभी अभी बारिश हुई है तो थोड़ा पानी इसमें रुका हुआ है, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक वैरायटी मैं आपको और दिखाना चाहूँगा बारहमासी की, ये देख लीजिए बारी 11 का प्लांट है, देख सकते हैं इसमें अभी साल में 2 बार आम लगते हैं यानी कि बड़े साइज के आम लगते हैं और मीठे होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक वैरायटी और बताना चाहूँगा जो कि लखनऊ CISH की वैरायटी है और भारत की सबसे ड्रॉफ वैरायटी है यानी कि बौनी प्रजाति है, उस प्लांट का नाम है अरोनिका मैंगो। दोस्तों अरोनिका मैंगो का प्लांट आप अपने गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये बहुत अच्छी वैरायटी है अरोनिका मैंगो, मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। और इस बरसात के मौसम में मैं भी उस प्लांट का प्लांटेशन करूंगा क्योंकि ये जो वैरायटी है ये सभी आमों से सबसे ज़्यादा बौनी मानी गई है, कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है। दोस्तों अब मैं आपको सातवीं वैरायटी बताने जा रहा हूँ, वो है अंगूर का प्लांट। बहुत ही आसानी से देखिए ये ग्रो हो जाता है, अभी ये छोटे बैग में है, बाद में मैं इसे आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला ऐसे ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगा 15x15 के। फिलहाल मैंने इसको मजबूत कर लिया है प्लांट को अंगूर के, और ये ब्लैक अंगूर है। और दोस्तों आप लोग ग्रीन वाला जो अंगूर होता है उसे भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये अंगूर की वैरायटी है क्या उसमें सीड होगा, बिल्कुल होगा, अंगूर में सभी में सीड होता है लेकिन अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग अंगूर होते हैं। तो जो मैं UP में रहता हूँ यहाँ पर चाहे आप अंगूर की कोई भी वैरायटी लगा लीजिए सीड होना ही होना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ब्लैक स्वीट जो अंगूर होता है जिसे मैं ये लेके आया था अवध नर्सरी से, ये बहुत बढ़िया है, खाने में मीठा होता है। तो ये अंगूर की वैरायटी आप ये ज़रूर लगाएं, बढ़िया ऑप्शन है। दोस्तों
अब मैं सिट्रस की एक ऐसी वैरायटी बताऊंगा जिसके लिए सब लोग परेशान रहते हैं कि कौन सी वैरायटी सिट्रस की लगाए जो जो टेरिस गार्डन में मीठी हो, यानी कि छील के खाने वाली, यानी संतरा की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों अब मैं बात करूंगा संतरा की, एक ऐसी वैरायटी आपके सामने है जो कि मैंडरिन ऑरेंज की है। सामने से दिखाइए, ये मैंडरिन ऑरेंज है और यहाँ पर देखिए एक फ्रूट ये लगा हुआ है, इसमें कांटे नहीं होते। फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यह देखिए फ्रूट लगा हुआ है और ये मैंडरिन वैरायटी है ऑरेंज की। और इसमें जो है आपको जो स्वाद है वो हल्का खट्टा और मीठा मिलेगा। और आपको मैं एक वैरायटी और दिखाना चाहूँगा संतरे की, इसका जो फ्रूट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा होता है, ये चाइनीज़ वैरायटी है राम रंगन। आप दोस्तों देख लीजिए, ये सब ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आप इसमें से कोई एक लगा सकते हैं। ये देखिए ये चाइनीज़ राम रंगन वैरायटी है और 70 से 100 ग्राम तक इसका फ्रूट ये हो सकता है। छोटे साइज़ का होता है, गुच्छों में लगता है, बहुत ही मीठा होता है। ये आप ज़रूर से ज़रूर लगा सकते हैं। एक वैरायटी मैं आपको भूटानी ऑरेंज का दिखाना चाहूँगा, भूटानी ऑरेंज ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ है, नया प्लांटेशन है मेरा। भूटानी ऑरेंज का फूल आया था लेकिन सब गिर गया। ये आप लगा सकते हैं, भारत के किसी भी स्थान पर इसका प्लांटेशन किया जाए तो इसका स्वाद में मिठास जरूर रहती है। तो इसे कलकत्ता में सात्विकी कमला के नाम से भी जाना जाता है। तो भूटानी ऑरेंज का प्लांटेशन आप कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, चाइनीज़ रामरंगन वैरायटी, भूटानी ऑरेंज और मैंडरिन ऑरेंज, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत महंगे नहीं मिलते, 100 से 150 रुपए के अंदर ये प्लांट आपको मिल जाएंगे लोकल नर्सरी में या ऑनलाइन। दोस्तों जो नवा प्लांट है वो अंजीर का प्लांट है और सेहत से जुड़ा हुआ ये प्लांट है। अगर अंजीर का आप एक फल प्रतिदिन खाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सेहत में कितनी रंगत ये ला सकता है और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए मैंने ये प्लांट अपने टेरिस गार्डन में लगाया। खास तौर पर ये आइस के लिए बहुत बढ़िया होता है अंजीर का प्लांट, और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़िया बनाता है। तो अंजीर में कई वैरायटी आती है, तो फिग ब्राउन आता है, डायना आता है, पूना वैरायटी आती है। तो ये पूना वैरायटी आपके सामने है। फिलहाल अभी इसमें ज़्यादा फ्रूट नहीं लगे हुए, एक या दो फ्रूट लगे हुए हैं। तो अंजीर की आप ये वैरायटी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं अंजीर अभी फ्रूट इसमें फिलहाल नहीं लगा हुआ है और बहुत बढ़िया वैरायटी होती है। तो अंजीर का एक प्लांट जरूर से ज़रूर दोस्तों लगाएं, बहुत बढ़िया वैरायटी है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंजीर का प्लांट हर टेरेस गार्डन में होना चाहिए। तो अंजीर का प्लांट जरूर लगाएं, ये करीब 2-3 साल से इसी 3 के कंटेनर में है और लगातार मुझे ये फल खिला रहा है। दोस्तों मैं आपके सामने जो 10वां प्लांट आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एप्पल बेर का। अब सामने जो वैरायटी लगी हुई है ये है बाल सुंदरी एप्पल बेर, और दोस्तों इसमें कांटे होते हैं क्योंकि मैं सब कुछ आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। और ये जो कांटे आप देख रहे हैं ये थोड़े दिनों के बाद झड़ जाते हैं, इसकी खासियत यही है ये कांटे कुछ दिनों के बाद झड़ जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत बढ़िया कलर आता है और बहुत खूबसूरत लगता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्होंने एप्पल बेर का जो फ्रूट है मेरे टेरिस गार्डन में देखा था, इसमें काफ़ी मात्रा में, यानी कह सकता हूँ 15-15 किलो दोनों में लगे थे, काफ़ी फ्रूट आए हुए थे। तो आप बाल सुंदरी एप्पल बेर की वैरायटी लगा सकते हैं। साथ में मैं आपको एक ऑप्शन भी देता हूँ, वो भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। जिन लोगों को अगर ये लगता है कि कांटे होते हैं मैं इसलिए बेर का प्लांट नहीं लगाऊंगा, तो मैं आपको एक ऐसी वैरायटी बताऊंगा जिसमें कांटे ही नहीं होते। उस वैरायटी का नाम है मिस इंडिया, और उसमें साल में 2 बार फल मेरे यहाँ फिलहाल लग रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए दोस्तों आप ये देख सकते हैं एप्पल बेर, थोड़ा पास से दिखाइए और ऊपर भी दिखाइए, ये देखिए ये है मिस इंडिया एप्पल बेर। और देखिए कांटा, प्लांट में कोई भी कांटा नहीं है, देखिए छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो भी गिर जाते हैं, इसमें कांटे फिलहाल नहीं होते। और ये मिस इंडिया की वैरायटी है, आप देख सकते हैं अभी कलर नहीं आया है और ना आएगा, क्योंकि गर्मियों में बेर में कलर नहीं आता, सर्दियों में कलर आ जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दिखाइए जरा पास से कितने बेर लगे हुए हैं, सर्दियों में बम्पर लगते हैं बेर इसमें। तो ये मिस इंडिया की वैरायटी। अब दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन है, मिस इंडिया एप्पल बेर या फिर बाल सुंदरी एप्पल बेर। कलर दोनों में आता सर्दियों में, बेर इसमें 2 बार लग रहे हैं, उसमें 1 बार लग रहे हैं, च्वाइस आपकी है। खाने में बाल सुंदरी काफ़ी अच्छा होता है तो आप उसे लगा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे फलदार पौधे दिखाए जो कि गमले में लगाए जा सकते हैं, और साथ में कुछ ऑप्शन भी दिए ताकि कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं ये नहीं लगाना चाहता हूँ तो मैं ये लगाऊंगा, तो ऑप्शन भी दिए। तो आप लोग इस बरसात में कम से कम 10 नहीं तो 5 फलदार पौधे अपने टेरिस गार्डन पर जरूर से ज़रूर लगाएं, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।